कार्यक्रम है कि जो बिहार महिला उद्योग संघ है, दो मेला तो बड़ा बड़ा लगाता ही था, तो हम लोग फेस्टिवल से पहले लगाते हैं सब मेला, इसलिए कि फेस्टिवल में लोग खरीदारी करता है। हमारे यहाँ छोटी छोटी उद्यमी हैं तो फेस्टिवल के समय में उनका सामान बिकता है तो अच्छा से वो सेलिब्रेट करती हैं। एक ये पर्पस होता है, और दूसरा पर्पस होता है कि हम लोग जो भी मेला लगाते हैं, देखिए सोचते हैं कि उनका नेटवर्किंग हो ताकि सालों भर उनका मार्केटिंग हो, तो इसलिए इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग आज ये मेला लगाए हैं दिवाली के अवसर पर। थोड़ा सा मतलब बहुत अभी लार्ज स्केल में इसको नहीं किए, चूँकि हम लोग ऑलरेडी दो मेला बहुत लार्ज स्केल में करते हैं, लेकिन धीरे धीरे देखेंगे लोगों का बढ़ेगा रुझान और हर चीज़ होगा तो फिर इसको भी हम लोग बड़ा करेंगे। तो यही है हम लोग का मेन उद्देश्य है कि उद्यमता का विकास कैसे हो जबकि उनका सामान बिके। जब तक आपका सामान का बिक्री नहीं हो, मार्केट नहीं मिले, तो फिर उद्यमता का क्या मतलब है। तो हम लोग उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, तो कैसे करके दें तो यही एक माध्यम होता है। ऑनलाइन भी हम लोग चेष्टा करते हैं कि उनका सामान बिके, ऑफलाइन भी बिके, और ख़ास करके इस तरह का मेला और आयोजन जो करते हैं उसमें, तो यही है। दिवाली के अवसर पे, हाँ दिवाली, देखिए दिवाली का अवसर क्या, दिवाली में लोग बहुत खरीदारी करता है, सिर्फ दिया बत्ती नहीं खरीदता है, नया कपड़ा भी खरीदता है बहुत जगह, चादर खरीदता है, फर्निशिंग खरीदता है, दिवाली से रिलेटेड बहुत पूजा पाठ का। तो हमारे यहाँ जितनी भी कॉटेज इंडस्ट्री में महिलाएं हैं वो ये सब काम करती हैं, बनाती हैं। मेला के लगने से समाज में किस तरह का प्रभाव, समाज में बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। एक तो समाज में सबसे पहला प्रभाव तो हम ये बोले महिलाओं में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि देखिए जब बड़े बड़ी बहुत पढ़ लिखे तो एक से एक पोस्ट पर महिलाएं हैं, लेकिन जो गांव घर में भी है, छोटे जगह में भी है, उनको भी लगता है कि हम कुछ हैं, हम कुछ कर सकते हैं। वो अपना सामान बनाती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं, तैयार करती हैं, बेचती हैं, घर परिवार को सहयोग देती हैं, तो समाज में इसलिए अच्छा प्रभाव पड़ता है कि लगता है कि नहीं अब जो बहुत जागरूकता आ गया है और अवेयरनेस आ गया है, तो पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है समाज में। ठीक।